हट कर सकता है तो कलता के दौरान खून निकला तो यही मोबाइल मिल जाता है ताकि अनाई मिला जख्म होते ऐसा एक काम करिए कि घर से तुम छोटा ही था अरे ऊपर वाले के देखते हैं ना ऊपर वाले के देखते हैं अंदर भीतर भीतर अगर कीड़ा भी होते मान लो तो खून तब तक अल्लाह में आए रहे फिर इनका हम वही फिनाई लोग मोबाइल में ये वीडियो बनवाने का मतलब हमारा यही होता है कुछ बेवकूफ़ टाइप को लोगों ने YouTube पर सलाह किया है वो कम बोला करें और ये उसी को दिखाएं यही तो हम पूरे हिंदुस्तान से जानना चाहते हैं जैसे भयंकर बदबू है जो कि कैमरे में बदबू तो नहीं लग रही अंदर कीड़े का आसार है बदबू क्या है गधों के घाव में जरूर बदबू बहुत सारा है ना गधों में ये बड़ी मुसीबत जरा घाव है कीड़े नहीं फिर भी बदबू मार रहे हैं तो ये देवी का वाहन है सप्तम काल रात्रि हिंदुस्तान के सारे अखबार में इनका फोटो आता है फोटो और पत्थर अगर हम आपके साथ वही काम करें तो आपका बेटा ये कह दे कि पिताजी जब आप मरेंगे तो हम आपको रोज मेवा देंगे आपको मंजूर होगा अब तो बेटे के ऊपर आग बबूला हो जाएंगे आप क्या कर रहे हैं वही पूजा वही मंदिर वही पाठ वही पूजा वही मंदिर मंदिर में जाप करने से देवी मिलेंगी मिली आज तक किसी को किसी से देवी मिलती कि मेरे यहाँ जितने जानवर आ रहे हैं सब मंगल में या शनि में मरते हैं तो मंगल में या शनि में अब गधा ये भी मंगल में आ गया ये भी देवी का वाहन मुझमें कीड़े तो नहीं अब इसका काट के देख लो ताकि ये हमें यहाँ मक्खी घर इतने पर लग रही है इसका मतलब हो सकते हैं अब इसके बाद हमको जाना है बंदर भोज करने के लिए बंदर भोज करें लौटेंगे अंधेरा हो जाएगा बार 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 बार। जो करो सब अकेले जितने संगी साथी हैं वो कहेंगे साहब हम पैसा दे देंगे हम इंजेक्शन मंगवा देंगे इसी में बदबू है इसी में बदबू एक आवत एक जात एक आवत एक जात ये माता शीतला का वाहन है और मंदिर में पत्थर के बना है ये तो पत्थर गधा के हम पूजा करिए और सचमुच के केरवा पड़ के कीड़े पड़ जात तब रात में एक जने लदा के लाए कहने अस्पताल में उतार दी हम कहाँ नहीं रहे जो अस्पताल में हम अकेले कहाँ जा पाएंगे बैठो बैठो अरे वाह है कीड़े कीड़े हैं बाबा इसको आप जरा सा क्लोजअप वाले बटन से इसको जब पैर उधर खींचेंगे तब ये जड़ इसके घाव को बनाइए अरे ये गांठ पहुँचे बहने वो हो अरे कल तमाम खून निकला रहे जब गाड़ी से उतारा गया देखकर तो श्री राम का भी आना पड़ेगा खाल से चूटिया वगैरह बांध के इसे बदगोश्त का कम करी है ना तो अच्छा उपाय है थोड़ा ये है कठिन इलाज है खाओ बजाय सूखने के वो बदगोश्त बन जाता है तो श्री राम इनके पिताजी जो है वो चूटिया वगैरह बांध के भयानक बदबू है वह पहले के बन
यही मैंने ये सारी चीज़ों को दिखा दिया। आज की 4 जनवरी 2017 है, आप ये सब सीन देख रहे हैं। सीन देखने के बाद ज़्यादा अच्छा होता कि एक मिनट के लिए आप जरा कैमरे को लेके इस घाव को दिखा दें। क्लोजअप है, एकदम दिख रहा है अंकल, क्लोजअप वाला है ना, पास से दिख रहा है। अच्छा अच्छा क्लोजअप है, तब तो बढ़िया। थोड़ा और इधर आ जाइए इधर, ताकि वो घाव साफ साफ दिखाई दे। ये महापुण्य का काम है, ये जान जाइए कि आज यही सब कर पूरी जिंदगी लगा के आज पूरी दुनिया को हम चैलेंज भी तो कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड को, कि अकेला आदमी अपनी पूंजी अपना पैसा लगा के हम, अब हमारी बेटी बनारस में है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में, और उसके रहने से बड़ा सहारा हमको मिल जाता है। वो चारा है, पानी है, इनको देना लेना, कहीं घास देगी, कहीं कुछ करेगी। पागल कुत्ते तक को उसने ग्लूकोज चढ़वा दिया, पर पता लगा कि ये पागल है, सोचिए आप। अब यह है कि सब है, हनुमान जी सब करवा रहे हैं, इसीलिए जब हम बोलते हैं लोगों को सलाह देते हैं, मोदी का नाम हम इसीलिए ले लेते हैं कि वो भी एक किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। बड़ी बदबू है, किसी ने सपने में सुने ही मैं पट्टी सुन लो, तुम तो बांधे नहीं कर सकते, कैसे बनवाई नहीं छोटी बाजार वाली। तो इसीलिए मैं हर प्रोग्राम में मोदी 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 देखिए पूरे देश के लिए, अभी लोग कम समझ रहे हैं ना आने वाले समय में, बल्कि शुरुआत हो गई है। जितने सीनियर सिटीजन रहे सबको मोदी जी ने गुलाम बनाया, कितनी उनके लिए सुविधाएँ दिया, कितनी छूट दे दी कि आप इतना पैसा यहाँ तक, एक मतलब सीमा हो गई उनकी भाई, बुढ़ापे में कदम कदम में पैसा चाहिए। तो मोदी जी ने सीनियर सिटीजन के लिए किया, सारे गरीबों के लिए वो रास्ता निकाला, भाई ताज़ा धन इकट्ठा है, जब सरकार के पास अथाह धन होगा तभी तो गरीब को कर्जा देगी, मकान के लिए, उसके लिए, उसके लिए, पूरे देश के लिए करता है, एक बहुत बड़ा काम। इसलिए मैं मोदी जी की सराहना करता हूँ, मैं कहता हूँ कि साहब कोई हमको हंसी भी आती है कि किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मोदी साहब एक अजूबा हो जाएगा उनके द्वारा, तो उनके द्वारा अजूबा हो गया इस देश के अंदर, इतना बड़ा अजूबा आज तक नहीं हुआ। तो अब इसके ऊपर मोबिल न डालेंगे, है ना, केवल फेनाइल जो थोड़ा बहुत डाल गई, और बाकी ये बताओ क्या लिख के जो है वही टूटिया बनवाना शुरू कर दो, अभी इंजेक्शन है कोई तो इनका छोड़ दे। मोदी साहब के लिए एक दुनिया का अजूबा आदमी है जो अपनी मोहर लगाए है, हम चैलेंज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, पेड़ पौधा पशु पक्षी, केवल यही काम नहीं है, कौन कौन ऐसा काम है, पूरी जिंदगी से न सारी पूरी गुजर गया, तब आज हम तब मोदी जी के ऊपर हाथ अपना लगाए हैं, वो उसके पात्र हैं। मोदी जी के लिए केवल हम जयकारा नहीं लगाते हैं, हम काम करते हैं, जिसका भी जो भी पुण्य होगा वो भी मैं मोदी जी को दूंगा। देश के लिए बाप रे बाप, लोग तो केवल एक ये है कि भाई अकेले हम इसी में लगते रहे लगते रहे, लेकिन पूरे देश के लिए काम करना, बैठो भैया बैठो, पूरे देश के लिए काम करना, वो बिल्कुल भगवान हो गएगा। भारत के इतिहास में आज तक उनके मोदी जैसा किसी ने कोई काम नहीं किया आज तक, इस संजोग देखिए। और यह बात मोदी जी के पेड़ लगाए पेड़ के फल हैं, वाजपेयी जी तो महान तो थे ही हैं, लेकिन फल जो लगा वो वाजपेयी जी के पेड़ में मोदी नाम का फल लग गया। और कौन वो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेटली हैं, सुषमा हैं, और भी एक से एक दिग्गज के नेता जो पूरे देश को बदल के रख दिया।
इसका यहाँ पर पट्टी तो बंधेगी नहीं है, चलो स्प्रे कर करके हाँ स्प्रे तो चार बार कर बाड़ी को विराम देते हैं। हाथ धोना भी है, अगर गणेश जी तो अंदर धो सकते हैं। मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। यही कहते करते 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 दिखाते 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 या किसी ने मदद किया, लोग सुझाव देते हैं। अपना सुझाव अपने पास रखो, सुझाव सुझाव मत सहयोग करो। आए आज तक बहुत बेशरम युग है, हाँ कपानी लोगों का मर चुका है। अरे पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक गिलास पानी, मैं मोदी को नहीं जानता हूँ और मोदी को मैं भगवान, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं मोदी के साथ दोनों हाथ से खड़ा हूँ। सारा संत समाज अलग से उनके साथ में है, बाकी मोदी जी के साथ तो पूरा देश, पूरा देश है। और अब हम पानी को विराम देंगे और इसी तरीके से हमारा मतलब कि इसको देखने के बाद आप लोग अपने अपने इलाके में कर हमको सहयोग न दें। हमारी बेटियां काफ़ी हैं, भुवन सिंह हो गए, आशीषा नंद एक लड़का है फोटोग्राफर, वो हमारी मदद कर रहा है, और भी जगदीश जानानी हैं, लखमानी हैं, वो उसका नाम हेमा भाई, तो लोग सहयोग कर देते हैं। लेकिन सबसे कठिन काम है सेवा, ये कोई नहीं करता, ये हमें को झेलना पड़ता। हम हमारी बेटी यहाँ खोलो यहाँ बांधो देखा। अब यहाँ देखिए हमारे अगर कोटेदार के यहाँ पर हमारी हो, हमारे जो राशन का कोटेदार है उसके यहाँ अगर जांच की जाए कि बाबा जी ने तेल कब से नहीं लिया, तो सालों से नहीं लिया। क्यों? जब उसका बढ़ने का टाइम होता है तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं कहीं वहाँ कहीं वहाँ, मैं अकेला आदमी, जो करें हम ही करें। अब मिट्टी के तेल के बिना आज सुबह ठीक से हम जला नहीं। आज आशीषा नंद से कहा भैया मिट्टी का तेल हो सके बेटा, ऐसा हमसे ले जाओ हमको लागे। सोचिए एक आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये मेरा हिंदू, और वहाँ लाइन लगा कि आप लोग मंदिर में दर्श, अरे इस वीडियो को देखने के बाद अपना सर अपने दीवार में पटक के सोचना। मैं कैमरे के आगे, मैं वर्ल्ड के आगे बोल रहा हूँ, यूट्यूब में बोलने का मतलब पूरी दुनिया के आगे बोलना है। यह दुनिया वालों हमें एक चीज़ बता दो कि आपको पत्थर, आपका बेटा कहे पिताजी जब आप पत्थर के हो जाएंगे तब हम आपको लड्डू खिलाएंगे, हम आपको मेवा खिलाएंगे, और इस समय अगर आप बिना दवा के मर रहे हैं तो मरिए, तब तो आप बेटे के ऊपर अपनी बेट उठाओगे कि नहीं उठाओगे? लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यही मैं टोक रहा हूँ। तो दुनिया वालों कुछ करो अपने अपने इलाके। अभी छोटी बाजार से आया, क्या छोटी बाजार में हिंदू नहीं है? 10 लोग खड़े हो जाएं, 10 धनी मनी लोग ऐसे काम में लगाओ। ये जो कंबल और ये सब बांटते हो ना, ये गरीब, ये गरीब नहीं है, जाकर उनके घर में पता लगा दो। ये सब पेशेवर गरीब है, गरीब बने हैं लेकिन पेशेवर हैं। नाटक मत करो, रियलिटी पर आओ, सही जो सही दिशा में है उस पर आओ। क्या है भैया, तो ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है और इसीलिए हम बोलते हैं समझाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री।